आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ट्यूशन टीचर में। मैं प्रीति अग्रवाल आज आपको सिखाऊंगी इंग्लिश ग्रामर, सिंगुलर एंड प्लुरल नाउंस। तो हमेशा की तरह मैं आपको पहले पेज लगा देती हूँ। तो आज मैं आपको बताया सिंगुलर एंड प्लुरल नाउंस। तो नाउंस तो आप जानते ही होंगे कि नाउंस किसे कहते हैं हम, कि नेम ऑफ अ प्लेस, एनिमल एंड थिंग। ठीक है, इसका वीडियो भी मैंने एक अपलोड किया हुआ है, आप उसे भी चेक कर सकते हैं। तो उसी में मैं आपको सिखा रही हूँ सिंगुलर और प्लुरल नाउंस। ये बहुत सिंपल होता है, हमेशा है ना आपको कहीं ना कहीं डेली यूज में भी जरूरत पड़ती रहेगी और एग्जाम में आपको आता ही आता है। सिंगुलर नाउन मतलब कि अगर आप एक चीज के बारे में बात करें, प्लुरल नाउंस मतलब कि एक से ज्यादा कोई चीज होगी तो उसके बारे में बात करें। ये आप में से बहुत जनों को पता होगा, लेकिन मेन जो इंपॉर्टेंट इस लेसन में है ना कि सिंगुलर को प्लुरल नाउन बनाना है तो हर टाइम आपको एस नहीं लगा देना है। ठीक है ना, इसके लिए ये इसमें कुछ बोलते ना वेज है, रूल्स हैं, उसको आपको याद रखना है। वो आप याद रखेंगे तो कभी भी आपका सिंगुलर से प्लुरल नाउन करने जाएंगे जो 1-1 मार्क का आंसर आता है ना आपको, तो उसमें आप कभी भी गलत नहीं करेंगे। ठीक है, उसको थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। सिंगुलर नाउन रिफर्स टू वन पर्सन, आइडिया और थिंग, अजीत बॉट अ गिफ्ट फॉर हिज मदर। प्लुरल नाउन रिफर्स टू मोर देन वन पर्सन, आइडिया और थिंग, अजीत बॉट मेनी गिफ्ट फॉर हिज सिस्टर। ठीक है, अजीत ने मम्मी के लिए गिफ्ट लाई, एक हो गया। अजीत ने मम्मी की मेनी गिफ्ट लाई सिस्टर के लिए। ठीक है, इधर गिफ्ट हो गया, इधर गिफ्ट्स हो गया, ये हो गया सिंपल। जैसे मैंने बोला ना कि कोई भी वर्ड होगा जिनको अगर इंग्लिश नहीं भी आती है या पता नहीं होता, तो उनको इतना तो मालूम होता है कॉमन रूल कि अगर एक से बोलते ना अनेक वचन करना है, बहुवचन करना है, सिंगुलर टू प्लुरल करना है, तो हमेशा एस ऐड कर देते हैं। तो जब सामने वाले को पता हो, मालूम होता है ना कि इंग्लिश इसने गलत बोली है, क्योंकि कोई ऐसे वर्ड होते हैं बहुत सारे कि जिसमें ना हर तरफ आपको एस नहीं लगाना होता है, लेकिन लोग ज्यादातर क्या करते हैं कि प्लुरल करना होता है ना, बहुवचन करना होता है, अनेक वचन जिसे हम बोलते हैं, तो उसमें वो एस लगा देते हैं। तो अगर आप भी ऐसी कोई गलती करते हैं ना बच्चा, या आप में से बड़े भी अगर कुछ ऐसा गलत करते हैं, तो वो गलती आप ना करें। तो उसके लिए आपको क्या याद रखना है, वो डिटेल्स मैं इसमें दे रही हूँ, आप उसको याद रखेंगे तो आपकी गलती कभी भी नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे 10 उन्होंने ऐसे रूल्स बताए हुए हैं, आप समझ के चलिए, बहुत सिंपल है, उसको आप याद रखना है। देयर आर सेवरल वेज टू फॉर्म प्लुरल ऑफ सिंगुलर नाउंस। ठीक है, वी एड एस टू मेक सम नाउंस प्लुरल। देखो इन्होंने लिखा है सम नाउंस है, जैसे मैंने आपको पहले ही बोला कि कोई कोई वर्ड्स होते हैं जिसमें आप एस लगा सकते हो, हर वर्ड में आप एस नहीं लगा सकते। तो पहले जो सिंपल है उन्होंने वही दिया, चेयर का चेयर सी बोलेंगे, पिक्चर का पिक्चर सी बोलेंगे। ठीक है, सेकेंड वाले में देखिए, इफ अ नाउन एंड्स इन एस, डबल एस, एक्स, एस एच और सी एच, यानी कोई भी वर्ड अगर आपका एस, डबल एस, एक्स, एस एच और सी एच से एंड होगा, तो आपको उसमें क्या लगाना है, ई एस लगाना है। क्या लगाना है, ई एस। तो इसको आपको क्या करना है ना, ये जो भी इसमें दिए हुए है ना, आपको उनको सिर्फ रिवाइज करते जाने कि ई एस किस में आएगा। ई एस के लिए हमको याद रखना है एस, डबल एस, एक्स, एस एच और सी एच। जब आप 2-3 बार इसको रिपीट करेंगे ना, आप चाहो तो किसी पेज पे आप लिख लो कि ये मुझे किस में ऐड करना है, तो जब आप याद कर लेंगे ना तब आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। पहले आप समझ लीजिए, बस का अभी एंड किससे हुआ, एस से, तो बसेस। डबल एस लॉस है, तो उसमें डबल एस आ गया तो आप लगाएंगे लॉसेस। ठीक है, अभी आ गया बॉक्स, एक्स से एंड हो रहा है, ठीक है, तो आप इसमें लगाएंगे ई एस, तो बॉक्सेस हो जाएगा, है ना। एस एच है विश, तो आप लिखेंगे विशेस। ठीक है, एंड सी एच का उन्होंने दिया चर्च, चर्चेस। ठीक है, ये सिंपल है, एस, डबल एस, एक्स, एस एच और सी एच आपको याद रखना है। अगर लास्ट में आएगा तो आपको क्या करना है, ई एस लगाना है। ठीक है, देन थर्ड वाले को हम देख लेते हैं, इफ अ नाउन एंड्स इन वाई, देन देयर इज अ कंसोनेंट बिफोर द वाई, वी ड्रॉप द वाई एंड एड आई ई एस। अब देखो, अगर कोई नाउन एंड हो रहा है वाई से, ठीक है, और उस देयर इज अ कंसोनेंट बिफोर द वाई, अगर कोई भी वर्ड, जैसे इसमें आपका एंड किससे हो रहा था, एस से हो रहा था, डबल एस से, एक्स से, एस एच और सी एच, इसको बोल रहे हैं, मतलब कोई भी वर्ड जो एंड हो रहा है। थर्ड वाले में कोई जो नाउन एंड हो रहा है वो किससे हो रहा है, वाई से हो रहा है, लेकिन उससे पहले उसमें कॉन्सोनेंट रहेगा। कॉन्सोनेंट क्या होता है आपको पता होगा, नहीं पता है तो भी मैं एक बार बता देती हूँ। वॉवल्स और कॉन्सोनेंट हम पढ़ते हैं, वॉवल्स मतलब ए ई आई ओ यू, वो हो गया वॉवल्स, और जो रेस्ट ऑफ द अल्फाबेट्स हो गए वो हो गए कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, तो जो आपका नाउन है वाई से एंड हो रहा है और उसके पहले कॉन्सोनेंट है, तो देखो इसमें इन्होंने एग्जाम्पल दिया है बी, तो ये क्या हो गया, मैंने क्या बताया था, वॉवल ए ई आई ओ यू, तो बी तो नहीं आया ना, तो यानी कॉन्सोनेंट हो गया, वाई से पहले कॉन्सोनेंट आ गया, तो आप इसमें क्या लिखेंगे, आई ई एस लिखेंगे, आई ई एस, तो बेबी का हो जाएगा बेबीज। ठीक है, एंड देखो जब हम इंग्लिश की लैंग्वेज में जब हम किसी को समझाएंगे ना, तो हम क्या बोलेंगे, जब हमको वाई हटाना है ना, तो बोलेंगे वी ड्रॉप द वाई। हम जैसे अभी हमें आपको समझा रही, मैं हिंदी में समझा रही हूँ ना आपको, तो मैं आपको बोल रही हूँ आप वाई हटाएंगे, ठीक है, और आप आई ई एस लिखेंगे। ठीक है, तो आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, वी ड्रॉप द वाई एंड एड आई ई एस। ठीक है, सेम लेडी में क्या आया, वाई आया, वाई से पहले कॉन्सोनेंट आया, कॉन्सोनेंट आ गया,
ठीक है। और आपको y ड्रॉप करना है, ऐड क्या करना है, आई एस, ठीक है। ये बहुत सिंपल है, बस ये याद रखिएगा कि नाउन से जो एंड होता है y, उससे पहले अगर कॉन्सोनेंट है तो ही आई एस आएगा, क्योंकि उसके आगे एक नेक्स्ट रूल है, उसको देखते हैं। इफ अ नाउन एंड्स इन y एंड देयर इज अ वॉवल बिफोर द y, एड s। अब देखिए इसमें कैसा है, ये भी नाउन एंड, अगर आप देखोगे ये भी y से ही एंड हो रहा है और ये वाला भी y से एंड हो रहा है, लेकिन इसमें पहले क्या आ रहा था, कॉन्सोनेंट आ रहा था। अब इस वाले y में जो है इससे पहले क्या आ रहा है, वॉवल। वॉवल मैंने क्या बताया था, ए ई आई ओ यू, यानी इससे y से पहले क्या आ गया, यहाँ पर वॉवल आ गया। तो वॉवल जब आ जाएगा तब आपको क्या ऐड करना है, s। और दूसरे वाले में जो मैंने पहले थर्ड वाले में सिखाया था कि y से पहले अगर कॉन्सोनेंट आ रहा है तो आपको क्या ऐड करना है, आई एस। इसमें भी सेम, हमेशा y को हम ड्रॉप करेंगे और सिर्फ क्या लिखेंगे, s, ठीक है। ये बहुत सिंपल है, मैं एक बार हल्का सा एक रिपीट कर देती हूँ कि अगर कॉन्सोनेंट आ रहा है y से पहले तो आपको आई एस लिखना है, अगर वॉवेल आ रहा है तो आपको सिर्फ s लिखना है, ठीक है। तो इस वर्ड को आप हमेशा याद रखिएगा, y बोला तो सिर्फ आई एस नहीं लिखना है आपको, पहले आपको चेक करना है कि उससे पहले कॉन्सोनेंट आ रहा है या फिर वॉवेल आ रहा है। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना कि बहुत जन है कॉन्सोनेंट को भी याद रखते हैं, बी डी एफ ऐसे, सिर्फ आप याद रखिए ए ई आई ओ यू, ये वॉवेल हो गया, बाकी अगर उसमें नहीं आ रहा है वो सब कॉन्सोनेंट हो गए, ठीक है। तो आपको फटाफट से, आपको इंस्टेंट अगर किसी का प्लूरल बनाना है तो आपको जल्दी से आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखते हैं, फ्रॉम मोस्ट नाउंस दैट एंड्स इन एफ और एफ ई, वी ड्रॉप द एफ और एफ ई एंड एड वी ई एस। अगर देखो मोस्ट ऑफ द नाउंस, ठीक है, तो जो F से एंड होते हैं या वी एफ ई से होते हैं उनको हम ड्रॉप करेंगे, मैंने बता दिया ड्रॉप मतलब हटाना, और क्या ऐड करेंगे, वी ई एस। एग्जाम्पल देख लेते हैं, बहुत सिंपल है, F का नाइफ, एफ ई एफ का लीफ, तो लीफ हो जाएगा, F को ड्रॉप करेंगे, ऐड क्या करेंगे, वी ई एस। एफ ई का एग्जाम्पल उन्होंने यहां दिया है नाइफ का, नाइफ में एफ ई हटाएंगे और वी ई एस एड करेंगे, ठीक है। वी विल ड्रॉप एफ ई एंड वी विल एड वी ई एस, है ना, इट विल बी नाइफ, लीफ का लीफ। नेक्स्ट देखते हैं, टू मोस्ट नाउन दैट एंड्स इन ओ वी एड ई एस। अब देखिए जो किससे खत्म होगा नाउन, ओ पे एंड होगा, ठीक है, वर्ड, उसमें हम क्या ऐड करेंगे, ई एस। सम नाउन्स रिमेन अनचेंज्ड इन द प्लूरल। देखिए अब कुछ कुछ चीजों की ना प्लूरल जैसे बोलते हैं ना कि वो सिंगुलर में भी सेम रहेगी और प्लूरल में भी सेम रहेगी, लेकिन इसमें भी ना बहुत सारे सेंटेंस के ऊपर डिपेंड हो जाता है कि आप सेंटेंस कैसे बोल रहे हैं, लेकिन जो नॉर्मल है मैं आपको वो बता रही हूँ। सेंटेंस में जाके चेंज हो जाएगा, बोलोगे टीचर आपने तो बोला था फिश का फिशेज है, कहीं कहीं फिशेज भी हो जाता है, लेकिन इट डिपेंड्स ऑन दी सेंटेंस कि वो कैसे बोला जा रहा है, ठीक है। इसमें जो दिया है मैं उस हिसाब से आपको बता रही हूँ, शिप का शिप, डियर का डियर, फिश का फिश, एयरक्राफ्ट का एयरक्राफ्ट, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, सम नाउंस रिमेन अनचेंज इन द प्लूरल, यानी कुछ नाउंस ऐसे होते हैं जिनको आप एज इट इज ही लिखते हैं, एज इट इज मतलब जैसे दिया है उसका वैसे का वैसा ही लिख के आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, सम नाउंस चेंज इन एन इररेगुलर मैनर, ठीक है। इररेगुलर मैनर क्या हो गया, देखो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले है ना आपको ये याद रखना है कि इररेगुलर मैनर क्या हुआ। इररेगुलर प्लूरल नाउंस आर नाउंस दैट डू नॉट बिकम प्लूरल बाय एडिंग एस और ई एस। देखिए अभी हम इससे पहले एस एड करते हुए आ रहे थे, किसी में ई एस एड करते हुए आ रहे थे, ठीक है ना, रूल्स के हिसाब से। अब हम सारे रूल्स फॉलो करते हुए आ रहे हैं, लेकिन कुछ रूल्स कैसे हैं जिसमें कि कोई भी जो नाउन है जिसमें एस नहीं ऐड कर सकते, ई एस नहीं ऐड कर सकते, है ना, वो इररेगुलर मैनर का है, मतलब उनका अलग है। इसमें तो देखो क्या था, इसमें वी ई एस था, इसमें ये अनचेंज था, जैसा था वैसा था, लेकिन इसमें क्या है, सम नाउंस चेंज इन इररेगुलर मैनर कि मतलब वो उसमें कुछ ऐड नहीं करना है, वो वर्ड ही चेंज हो जाएगा। इन शॉर्ट अगर बोले वो वर्ड ही चेंज हो जाएगा, ऑक्स का ऑक्सन, फुट का फीट, टूथ का टीथ, ठीक है, मैन का मैन, MAN man, MEN man, ठीक है ना, जैसे हम बोलते हैं ना सेम, वुमेन का वुमेन, तो वो किसमें आ जाएगा, इररेगुलर मैनर में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, देर आर सम नाउंस दैट आर ऑलवेज प्लूरल। देखो अब कुछ कुछ नाउंस कैसे हैं मालूम है, वो हमेशा प्लूरल ही रहते हैं, यहाँ पे इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। सेवेंथ और नाइन्थ में सम नाउन रिमेन्स अनचेंज इन द प्लूरल, वो हमेशा वैसे ही रहते हैं। और इसमें क्या है, देर आर सम नाउंस दैट आर ऑलवेज प्लूरल, वो हमेशा प्लूरल ही आपको नजर आएंगी, ठीक है। सीजर्स, देखो एक सीजर होगी ना, इसमें भी बहुत तरफ ना लोगों को कंफ्यूजन होता है, एक सीजर है मानोगे तो पेंसिल, आप बोलोगे टीचर पेंसिल दिखा रहे हो, सीजर होती है ना कैंची हमारे घर में, उसको सीजर्स बोलते हैं, ठीक है, वो क्योंकि वो दो ब्लेड आ गया, वो वन पैर में आ गया, इसलिए उसको सीजर्स, कोई सीजर बोलता है कोई सीजर्स बोलता है। ट्राउजर्स जो पैंट का है, पैंट अभी हम पहनते तो कैसे पहनते हैं ना, दोनों पैरों से पैंट पहनते हैं ना, तो वो ट्राउजर्स हो गया, ठीक है, क्लोथ का क्लोथ्स हो गया। और इसमें अगर कुछ भी चेंज होता है तो इट डिपेंड्स ऑन सेंटेंस की आप सेंटेंस को कैसे बोल रहे हैं।
टेंथ नंबर का देख लेते हैं. समटाइम्स द प्लूरल इज फॉर्म्ड बाय एडिंग एस टू द मेन वर्ड इन अ कंपाउंड वर्ड. देखिए कंपाउंड वर्ड जो क्या होता है इसका है ना मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप पहले कंपाउंड वर्ड भी चेक कर लेंगे ना तो आपको ये टेंथ वाला है ना बहुत इजीली समझ में आ जाएगा. वैसे मैं इसको एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ. समटाइम्स द प्लूरल इज फॉर्म्ड बाय एडिंग एस टू द मेन वर्ड इन अ कंपाउंड वर्ड. अब देखो एस वाला आप बोलोगे इन्होंने अलग क्यों दिया, एस वाला तो स्टार्टिंग में भी दिया था, वी एड एस टू मेक सम नाउन प्लस, लेकिन ये सिंगल वर्ड था, ये चेयर था. ठीक है यहाँ पे क्या है कंपाउंड वर्ड जो दो वर्ड बना के बोला साथ में जा रहा है लेकिन उसका मीनिंग अलग हो जाता है उसको बोलते हैं कंपाउंड वर्ड. उसका वीडियो आप चेक कर लीजिएगा. तो इसमें कैसे दिया है सन इन लॉ. ठीक है तो ये एक हो गया सन इन लॉ, तो उसको कैसे करना है जो मेन वर्ड है इसका सन इन लॉ. ठीक है तो सन को क्या करेंगे सेम टू सेम लिखेंगे, सन्स कर देंगे, इन लॉ करेंगे. सिस्टर इन लॉ में मेन वर्ड क्या हो गया सिस्टर, तो सिस्टर से लॉ. ठीक है तो ये 10 रूल्स है, इसको आप याद कर लेंगे तो कभी भी आपको सिंगुलर और प्लूरल नाउंस के बारे में सोचना नहीं पड़ेगा. लेकिन थोड़ा सा आपको एक पेज भी आप इसका स्क्रीनशॉट खींच के वीडियो का आप उसको याद कर लीजिए जब भी आपके पास टाइम हो, इसको देखते रहिए तो आपका कभी भी है ना तो ये चीज गलत नहीं होगी. ठीक है एक चीज और नेक्स्ट पेज पे हम देख लेते हैं, कुछ बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है. Keep in mind, when we change the singular nouns in a sentence into that plural forms, we often need to make some other changes in the sentence. देखो ये चीज ना मैं आपको पहले ही बोलती आ रही हूँ कि ये जो रूल्स थे वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन सेंटेंस में जाके है ना कुछ रूल्स को है ना हमें ध्यान में भी रखना पड़ता है. तो क्या चीजें हैं a cup या one cup, स्लैश मार के बोला है a cup बोले तो भी सेम, one cup बोले तो भी सेम, तो यहाँ क्या हो जाएगा many cups. ठीक है तो अब देखो one cup अगर यहाँ cup होता तो cups हो जाता. ठीक है अब इन्होंने अ कप या वन कप तो हम अ और वन का क्या बना देंगे मैनी मैनी कप्स, दिस कप है ना और ये हो जाएगा दीस कप्स. ठीक है ये एक है ये है जैसे हम बोलते हैं तो यहाँ एस नहीं है तो इसका दीज होगा तो इधर भी यहाँ पे है ना सॉरी है ना यहाँ पे क्या है ये दीस कप्स हो जाएगा यानी दीस कप और दीस कप्स. ठीक है दैट कप और That का दोस्त तो हो ही गया, यहाँ पे कप है तो यहाँ पे कप्स भी हो जाएगा. अब आप बोलो टीचर कि यहाँ पे कप है कप्स हो गया, यहाँ का भी चेंज यहाँ का भी चेंज, इसलिए उन्होंने बोला है कि ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि सेंटेंस में आप जब सिंगुलर नाउंस को सेंटेंस में करते हैं ना तो कुछ ना कुछ अदर चेंजेस सेंटेंस में होते ही हैं. ठीक है अब नेक्स्ट वाला देखिए द कप इज रेड है ना द कप्स आर रेड. अब इस जब कोई एक सिंगल चीज के बारे में हम बताते हैं तो हम इज यूज करते हैं. ठीक है आपको पता होगा और बहुत सारी चीजों के बारे में बताते हैं तब हम आर बोलते हैं, तो इस का आर भी करेंगे और कप का कप्स भी करेंगे. ये नहीं कि इज लिखा है तो आर हो गया तो मतलब समझने वाली बात है, नहीं समझने वाली बात नहीं है, इसका आर भी करना है और कप का कप्स भी करना है. ठीक है दोनों तरफ चेंज करना है. सेम द कप वॉज ब्रोकन द कप्स वर ब्रोकन. ठीक है ना द कप वॉज का क्या आ जाएगा प्लूरल वेर और कप का क्या आ जाएगा कप्स. सेम सेंटेंस द कप हैज अ हैंडल कप को हैंडल है द कप्स हैव हैंडल्स. ठीक है एक हो गया और उसका हैज का हैव हो गया कप का भी इधर कप्स हो गया यानी आपको दोनों तरफ चेंजेस लाने हैं. ही हर इट्स के लिए अगर यूज करेंगे तो कप ही वर्ड बोलेंगे एक ही आएगा, अगर देयर में बोलेंगे तो कप्स हो जाएगा. उन्होंने इसके सेंटेंस नहीं बनाए हैं सिर्फ आपको बता दिया जैसे इज का बनाया वॉज का हैज का बनाया, अगर हीज का सेंटेंस बनाओगे हर इट्स का कप ही आएगा, देयर्स का बोलोगे तो कब्स आएगा. ठीक है नेक्स्ट देख लेते हैं सिंगुलर प्लूरल नाउंस के जो 10 पॉइंट्स थे और सेंटेंस में जाके चेंज होते हैं तो वो भी मैंने आपको बता दिया कि कब का कब्स करना है ना इसका आर करना है वो समझा दिया. नेक्स्ट देख लेते हैं काउंटेबल नाउंस एंड अनकाउंटेबल नाउंस. देखो ये तो बहुत सिंपल आपको समझ ही आ गया होगा पढ़ने से ही. काउंटेबल नाउंस क्या हो गया जिसे हम मतलब गिन सकते हैं और अनकाउंटेबल जिसे हम गिन नहीं सकते. ठीक है उसको मैं बता देती हूँ. सम नाउंस रिफर्स टू एंटिटीज दैट वी कैन काउंट such nouns are called countable nouns. Countable nouns have singular and plural forms. We use a, an, many, some, any, few or a few before this nouns. A bird, तो हम बोलेंगे 10 birds. ठीक है a bird एक word हो गई, कितने word है 10 birds है, तो यहाँ पे 10 bird नहीं लिखेंगे 10 birds, bird का birds करेंगे है ना. अ में एक single है तो ये 10 हो 12 हो जो भी counting हो वो हो गई. a book हो गया 3 books हो गई. ठीक है an umbrella हो गया और 5 अम्ब्रेलाज हो गया. जब एक सिंगल लिखना होता है ठीक है ना तो उसमें हम एन लगाते हैं, जो भी वॉवल से स्टार्ट होता है ना मोस्ट ऑफ वर्ड्स ए ई आई ओ यू तो उसके आगे हम लोग एन आर्टिकल लगाते हैं, तो 5 अम्ब्रेलाज. ठीक है नेक्स्ट देखते हैं सम नाउंस रिफर्स टू एंटिटीज दैट वी कैन नॉट काउंट. सम नाउंस आर कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउंस अनकाउंटेबल नाउंस आर ऑलवेज यूज्ड
इन द सिंगुलर। अब देखो उन्होंने लास्ट लाइन क्या लिखी, अनकाउंटेबल नाउन्स आर ऑलवेज यूज्ड इन द सिंगुलर, यानी जो अनकाउंटेबल नाउन है ना ज्यादातर वो वर्ड्स जो होंगे ना आपके वो सिंगुलर में ही होंगे, एयर, वुड, वेदर, मीट, मिल्क, म्यूजिक, ठीक है। तो ये अनकाउंटेबल, देखो हम हवा नहीं गिन सकते, लकड़ी, मौसम, मीट, मिल्क, म्यूजिक ये हम गिन नहीं सकते, ठीक है। ये मिल्क का बोलोगे टीचर लीटर में तो आता है ना हाफ लीटर, लेकिन काउंट नहीं कर सकते बेटा उसको, ठीक है। वी यूज एक्सप्रेशन लाइक इनफ, मच, सम, एनी, लिटिल, अ लिटिल, अ लॉट ऑफ और प्लेंटी ऑफ बिफोर सम अनकाउंटेबल नाउन्स टू इंडिकेट क्वांटिटी। देखो अभी जैसे मैंने आपको मिल्क का ही पहले बोला ना कि आप इसे गिन नहीं सकते हो, ठीक है, लेकिन उसको कैसे बोलेंगे वो आपको बताना है क्वांटिटी का, ठीक है। सम फूड, थोड़ा, सम फूड, प्लेंटी ऑफ वाटर, अ पिंच ऑफ, बोलते ना चुटकी भर नमक डाल दो, हम चुटकी भर बोलते हैं ना हिंदी में, ऐसे इंग्लिश, सॉरी पेज चेंज हो गया, ऐसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अ पिंच ऑफ सॉल्ट, ठीक है। सम एडवाइस, बोलते ना कि किसी से थोड़ी राय ले लो, ऐसा हम घर पे बात करते हैं ना, तो सम एडवाइस, अ लिटिल शुगर, ठीक है, अ पीस ऑफ एडवाइस। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जो आपको याद रखना है कि अनकाउंटेबल नाउन्स है ना, तो उसमें अगर हमें थोड़ा समझना है तो कैसे बोलेंगे, सम फूड, प्लेंटी ऑफ वाटर, अ पिंच ऑफ सॉल्ट, सम एडवाइस, अ लिटिल शुगर, अ पीस ऑफ एडवाइस, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, समटाइम्स वी काउंट द नंबर ऑफ कंटेनर्स विच कंटेन दीज अनकाउंटेबल थिंग्स टू एक्सप्रेस द क्वांटिटी। अब देखो यही अगर कोई चीज किसी में है, ठीक है, जैसे फूड है, वाटर है, तो हम उसको कैसे बोलेंगे, देखिए प्लेंटी ऑफ वाटर, ये प्लेंटी ऑफ वाटर हो गया, अब इसको कैसे बोलेंगे, अ बकेट ऑफ वाटर। बट जैसे हमको किसी को बताना है कि पानी कितना है, आप बोल सकते हैं अ बकेट ऑफ वाटर, ठीक है, अ ग्लास ऑफ वाटर, टू जग्स ऑफ वाटर, यानी वाटर कितना है, ऐसे तो हम काउंट नहीं कर सकते ना, क्योंकि ये किस में आ गया आपका, लिक्विड स्टेट में आ गया, तो लिक्विड स्टेट का तो हम नहीं कर सकते, स्टेट्स ऑफ मैटर तो आपको मालूम होगा, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। तो अब वो जैसे मैंने आपको बोला मिल्क है, मिल्क को आप काउंट नहीं कर सकते ना, तो सेम वाटर भी उसमें ही आ गया, तो कैसे करेंगे, अ बकेट ऑफ वाटर, अ ग्लास ऑफ वाटर, टू जग्स ऑफ वाटर, ठीक है। अब कोला, अ कैन ऑफ कोला, ठीक है, थ्री पैकेट्स ऑफ सॉल्ट, है ना, हम नमक का बोलते हैं ना, एक नमक का पैकेट ले लेते हैं, दो नमक के पैकेट ले लेते हैं, ऐसे उसको नमक तो नहीं गिन सकते ना, एकदम छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उसको नहीं गिन सकते हम लोग, तो हम लोग क्या बोलते हैं, एक पैकेट, ठीक है। तो इन्होंने एग्जाम्पल दिया है थ्री का, थ्री पैकेट का पैकेट्स किया है, ठीक है, ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट नहीं करेंगे बेटा, ठीक है। अ स्पून फुल ऑफ शुगर, बोलते ना एक चम्मच चीनी डाल दो, दो चम्मच चीनी डाल दो, ठीक है, अ स्पून फुल ऑफ शुगर, क्योंकि हम शुगर भी कैसा है ना, वेट पे लाते हैं, काउंट करके लाते हैं क्या, पार्टिकल्स नहीं ना, वेट से लेके आते हैं, एक किलो, दो किलो, पांच किलो, जिसके यहाँ जितनी यूज होती है बेटा, ठीक है ना। टू क्यूब्स ऑफ शुगर, अब देखो कोई कोई बोलते हैं ना डायबिटीज का पेशेंट होता है तो वो लोग क्यूब वाली शुगर यूज करते हैं, नहीं तो नॉर्मली हम पार्टिकल्स वाली जो शुगर होती है ना वो यूज करते हैं, तो जो वो लोग क्यूब्स वाली शुगर यूज करते हैं तो वो लोग क्या बोलेंगे, टू क्यूब्स ऑफ शुगर। ठीक है, लास्ट वाला क्या है, सम एंड एनी कैन बी यूज्ड विद बोथ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। अब इसमें का एक रूल आपको अच्छे से क्या याद रखना है कि काउंटेबल नाउन हो या अनकाउंटेबल नाउन हो उसके साथ में आप सम और एनी यूज कर सकते हैं, सम बुक्स एंड सम वाटर, ठीक है, सम बुक्स और सम वाटर। देखो अब इसमें काउंटेबल क्या है, बुक को काउंट कर सकते हैं, ठीक है ना, है ना, भले देर बहुत सारी बुक्स हो, आप बोलो टीचर लाइब्रेरी में जाएंगे तो उसको कौन काउंट करेगा, काउंट कर सकते हैं, बस टाइम जाएगा, ठीक है ना, लेकिन वाटर का कितना भी टाइम हो हम उसे काउंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, तो उसका कैसा आएगा, हमें वैसे बकेट ऑफ वाटर, इतना लीटर वाटर, इस तरीके से हमको यूज करना पड़ेगा, ग्लास ऑफ वाटर, टू जग्स ऑफ वाटर, तो उसमें हम यूज कर सकते हैं सम वाटर, ठीक है। ऐसे हम नेक्स्ट देख लेते हैं, लास्ट है इस लेसन का, गिवन बिलो आर सम अदर अनकाउंटेबल नाउन्स एंड देयर यूजेस। ब्रेड का क्या बोलेंगे, अ लॉफ ऑफ ब्रेड, अ स्लाइस ऑफ ब्रेड, ठीक है। फर्नीचर का क्या बोलेंगे, अ पीस ऑफ फर्नीचर, अ लॉट ऑफ फर्नीचर। हेयर का क्या बोलेंगे, अ फ्यू स्ट्रैंड्स ऑफ हेयर, अ स्ट्रैंड ऑफ हेयर। देखो बाल अगर आप देखोगे सिंगल सिंगल जो हमारे बाल रहते हैं, कंघी करते हैं ना, कुछ बाल निकल जाते हैं ना हमारे, ठीक है ना, तो उसको स्ट्रैंड्स बोलते हैं, ठीक है बेटा। इंक, सेवरल बॉटल्स ऑफ इंक, है ना, मेनी कार्ट्रिजेस ऑफ इंक। अभी कार्ट्रिजेस क्या होता है, अगर आपके घर में प्रिंटर होगा तो आपको कार्ट्रिजेस पता होगा, अगर किसी के घर में प्रिंटर नहीं होगा तो मैं हमको बता देती हूँ कार्ट्रिजेस क्या होता है। जो प्रिंटर होता है ना, तो जो प्रिंट होके आती है ना, जो भी चीज आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह चाहिए जो आपको प्रिंट आउट करना है, तो जो कलरिंग ब्लैक कलर हो या जो भी आपके कलर प्रिंट आउट निकालना हो, वो जो छपके आता है ना, मान के चलो ये भी जो छपके आया है ना, ये कार्ट्रिज की वजह से आया, ठीक है। तो जो इंक होती है ना, बॉटल डाली जाती है प्रिंटर के अंदर एक, है ना, तो उसको बोलते हैं कार्ट्रिजेस ऑफ इंक, ठीक है। टी का क्या बोलेंगे, अ कप ऑफ टी,
अब केटल ऑफ टी, देखो एक कप चाय पीते हैं ना हम लोग या केटल की चाय पीते हैं? नहीं, हम एक कप चाय पीते हैं और केटल में मतलब बहुत सारी चाय, अगर घर में ज्यादा जने तो हम ज्यादा चाय बनाते हैं, उसमें से एक एक कप सब लोग पी लेते हैं, इस तरीके से ये है। तो ये लेसन हो गया कम्प्लीट। तो ये बहुत सिंपल था, सिंगुलर प्रोनाउंस। बोलेंगे टीचर आपने तो बोल दिया सिंपल था, लेकिन बहुत सारे रूल्स हैं। ये बेटा अगर रूल्स याद कर लोगे तो सिंपल है, अगर रूल्स याद नहीं करोगे ऐसे ही करते रहोगे तो फिर हमेशा ही चीजें गलत होती जाएंगी, आपके 1-1 मार्क्स है ना हमेशा जाते रहेंगे। और एक बार याद कर लोगे तो हायर स्टैंडर्ड में हो आप लोग तो भी आप गलती नहीं करोगे, अभी छोटे से ही स्टैंडर्ड से सीखते जा रहे हो, ठीक है, तो भी आप गलती नहीं करोगे। तो आई होप कि आपको ये लेसन अच्छा लगा होगा, अगर आपको ये लेसन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना हमेशा की तरह, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं एक नए वीडियो में, थैंक यू।